नमस्कार दोस्तों, आज हम VNR मधुर में पॉलिनेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये हमारा जो पेड़ दिख रहा है वे VNR मधुर का पॉलिनाइजर वैरायटी है। इसे हम पॉलन लेके फीमेल फ्लावर में पॉलिनेट करेंगे। जैसे कि इस ब्रांच में दिख रहा है, इसमें कई स्टेज के फ्लावर है हमारे पास। ये हमारा अर्ली स्टेज का है, ये जस्ट अभी डेवलप हुआ है। ये थोड़ा बड़ा स्टेज का है इसका। इसका तीसरा स्टेज आपका ये वाला फ्लावर रहेगा, ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है हमारा। चौथा स्टेज का फ्लावर ये है और फिफ्थ स्टेज का फ्लावर है। अभी हमारे पास कन्फ्यूजन है कि हम कौन से फ्लावर को हार्वेस्टिंग करें पॉलिनेशन के लिए। मेल फ्लावर का कलेक्शन टाइम जो है हमारा, वो शाम को 5 बजे से और रात के 7 बजे तक हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ओवरनाइट हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम फीमेल फ्लावर में इसके पॉलन कलेक्ट करके इसका पॉलिनेशन करते हैं। अभी हम इसको तोड़ के देखेंगे कि हमारा पॉलन का कलर कैसा होना चाहिए, उसका क्या डेवलपमेंटल फेज है। तो जैसे हमारा ये फ्लावर है, इसको कैसे हार्वेस्ट करना चाहिए उसका भी तरीका है। हम इसका जो जॉइंट पोर्शन है वहीं से हार्वेस्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ताकि हमारा पॉलन निकालते समय उसको आसानी रहे और हमारा हैंड जितना कम टच हो पॉलन पे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना हमारा हैंड टच होगा पॉलन पे तो पॉलन के इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये फर्स्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है हमें फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट है और ये हमारा पॉलन है, ये मेल पार्ट है हमारा। तो हमें मॉर्निंग में इसके पॉलन्स को, अभी ये क्रीमिश वाइट टाइप का दिख रहा है तो ये हमारा मैच्योर पॉलन है। अगर ये ब्राउन हो गया है तो ये हमारा पॉलन ख़राब हो चुका है। तो हमें इस स्टेज को ध्यान में रखना है जो कि हमारा पॉलन क्रीमिश वाइट हो। और हम ओवरनाइट तक इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अभी अगर हटाएंगे हम तो ये कुछ कुछ चिपका हुआ रहता है इससे, इस पार्ट से, तो ये इजीली निकलता नहीं है। अगर हम ओवरनाइट छोड़ते हैं तो मॉर्निंग में जैसे जैसे हम इसको सेक करेंगे या फिर हटाएंगे, हटाने की कोशिश करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। VNR मधुर का जो हमने कल पॉलन कलेक्ट किया था उसको कैसे पॉलिनेशन करेंगे और उसको हमारा जो वो है फ्लावर था उसमें से हम पॉलन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा एक छन्नी है जो कि आटा छानने का छन्नी रहता है और हमारा नीचे वाइट पेपर लगा है। तो छन्नी पे जो हमारा ये है पॉलन दिख रहा है अभी, ये हमारा क्रीमिश वाइट कलर का होना चाहिए। कुछ कुछ पॉलन ब्राउन कलर के होते हैं तो वो पॉलन हमारे वायबल नहीं होते पॉलिनेशन के लिए, वो ख़राब हो चुके पॉलन रहते हैं। इसलिए हम जो भी इसमें ब्राउन कलर का पॉलन दिखेगा वो हटा देंगे। तो अब हम इस फ्लावर में से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये देखते हैं। तो हम जो जाली रहता है इसका, तो उस पर घिसेंगे तो जो पॉलन रहेगा वो जाली से नीचे हमारे पेपर में बैठ जाएगा नीचे। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो इस तरह से हम इस पॉलन को थोड़ा हल्का सा रगड़ देते हैं ताकि इसके पॉलन निकल जाए इससे। पॉलन निकाला है। इस पॉलन को निकालने का टाइमिंग हमारा सुबह 5 बजे से और 8 बजे के बीच में, और इसी बीच में हमने इस पॉलन को पॉलिनेशन करके ख़त्म करना है। इसके बाद ये पॉलन वायबल नहीं होगा पॉलिनेशन के लिए। हमने ये दोनों टाइप के फ्लावर दिख रहे हैं, इनमें से हमारा ये वाला फ्लावर जो है ये इमेच्योर है, ये हमारा मैच्योर हो गया है, पॉलिनेशन के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये स्प्लिट कर गया है, इसका फीमेल पार्ट हल्का सा अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसी में हम पॉलिनेशन करेंगे। इस पॉलन को इस ब्रश से अटैच करेंगे और इसको फिर फ्लावर में पॉलिनेशन करेंगे। ये हमारा फ्लावर है, अभी हम इसमें पॉलिनेशन करेंगे। तो
ये हमने पॉलन पहले ही कलेक्ट कर दिया है इस ब्रश में, तो जैसे कि हम इसको हल्का सा ओपन करेंगे और इसको हल्का सा छुआ देंगे अंदर से। पॉलिनेशन के बाद में हम इस फ्लावर को टैग कर देंगे ताकि हम अगले टाइम पे जब किसी और फ्लावर को पॉलिनेट करें तो हमें ये ध्यान रहे कि ये वाला फ्लावर हमारा पॉलिनेशन हो चुका है। ये हमने 20 तारीख को पॉलिनेशन किया था और आज है 23, मीन्स 3 डेज हो चुके हैं इसको। 2 से 3 दिन में जनरली हमें पता चल जाता है आफ्टर पॉलिनेशन कि इसमें हमारा फ्लावर सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ। ये हमारा सक्सेस फ्लावर है।